अस्सलाम वालेकुम, कटोरा लेके आना जरूर आओ, लेकिन छोटा सा व्लॉग देख लेना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, एसएन हियर, वेलकम टू माय चैनल। और ये हमारा इस सीरीज़ का, कुमराज वैली की सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के आखिर में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के लिए दी हैं, ताकि अगर आप इस साइड पर कुमराज वैली या जहाज़ बंदा वाली साइड पर जाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये चीज़ें मैंने वीडियो के आखिर में बताई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जहाज़ बंदा से कटोरा लेके अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो आपको अराउंड 3 आवर्स की ट्रैकिंग करनी है, लेकिन इसके रास्ते में आपको एक छोटी झील भी मिलेगी, जिसे जहाज़ बंदा की लेक भी कहते हैं, जिसे कुछ छोटी कटोरा लेक भी कहते हैं। उस पर आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उस जगह पर, तो वो टाइम भी इस 3 आवर्स में आप ऐड कर लें। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? मेरी जो सांस पूरी देख रहे हैं आप, तकरीबन हम 40 मिनट से कंटिन्यूसली चल रहे हैं। हम जा रहे हैं कटोरा लेक की तरफ, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 कटोरा लेक हैं, छोटी कटोरा लेक और बड़ी कटोरा लेक। तो छोटी कटोरा लेक का डिस्टेंस तकरीबन अभी भी शायद 25 मिनट और 30 मिनट का बताया जा रहा है। और रहे बात हमारी हालत की, हमारी फौजी कंडीशन देख रहे हैं आप, और ये रास्ता है और हमने ऐसे जाना है इस रास्ते से, ये पहाड़ों से, ये पत्थरों से होते हुए। और आप देख सकते हैं ट्रैकिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि स्टेमिना आपका अच्छा हो। अगर आपने कुमराज या जहाज़ बंदू जैसी जगह पे आना है, कटोरा लेक आना है, तो आप जॉगिंग शुरू कर लें कम से कम 1 मंथ पहले या एटलीस्ट 2 वीक्स पहले, ताकि आपका स्टेमिना बन सके फिर ऐसी जगह पे आए। क्योंकि हम तकरीबन 1 आवर से ट्रैकिंग कर रहे हैं और अभी तक अभी छोटी कटोरा लेक भी नहीं आई है, और तो यकीन माने कंटिन्यूसली हम वॉक कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं। कुछ रास्ते बहुत ईजी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन मज़े का है, बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल से आप पीछे मेरा व्यू देख सकते हैं, बेहतरीन किस्म का व्यू है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? जहाज़ बंदा से हमने 1 आवर की ट्रैकिंग की है अभी, तो कुछ रास्ते बहुत इजी थे, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट। लेकिन ये स्ट्रगल हमने कटोरा लेक के लिए की थी, लेकिन यहाँ पर 2 कटोरा लेक है, जैसे एक को छोटी मिनी कटोरा लेक कहते हैं, एक ऊपर एक जो ओरिजिनल कटोरा लेक है। छोटी कटोरा लेक हम पहुँच चुके हैं, चलो फिर उसकी आपको व्यू दिखाते हैं।
इस लेक के मैंने बेसिकली 3 डिफरेंट नेम्स सुने हैं। फर्स्ट छोटी झील, सेकंड जहाज़ बांधा लेक, थर्ड छोटी कटोरा झील। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जो भी इनमें से आपको कोई नाम वहाँ सुनने को मिले तो इसका मतलब वो सेम लेक ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, जहाज बांधो पे रहते हो, इस लेक का नाम क्या है, इस लेक का नाम क्या है, छोटा झील, छोटा कटोरा झील। वो देख रहे हैं सामने, वो जहाँ से झरना निकल रहा है हमने वहाँ जाना है। तो फाइनली गाइस ये देखें, हम ऑलमोस्ट कटोरा लेक तक पहुँच चुके हैं। ये वो झंडा है जो कि कटोरा लेक की निशानी है, और हम जैसे लोगों के लिए एक किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। ये उसका वाटरफॉल है, और ये आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए, ऑलमोस्ट इस पहाड़ से, इससे पीछे वाले पहाड़ के पास से, जिसमें वॉकिंग, बोटिंग, हाइकिंग शामिल है। तो 3 आवर्स की ट्रैकिंग फाइनली एंड होती है। आप बहुत जदोजहद करके बहुत मुश्किल से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जो कि है कटोरा लेक। इस सीरीज़ के एंड में मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बतानी थी कि जब आप कुमरात आ रहे हैं, जहाज़ बांधा या कटोरा लेक आ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। उसमें से ये कि आप डेफिनेटली मेडिकल किट अपने हर टूर में लेके जाते हैं, तो इसमें भी लाजमी लेके आना है अपनी मेडिकल किट को। सेकेंड थिंग की बात करें कि सेकेंड थिंग यही है कि आप कोशिश करें कि अपना स्टेमिना बेहतर करके आएँ, कोशिश करें। वो इसलिए क्योंकि
अगर जब आप इतनी लंबी ट्रैकिंग कर रहे हैं, पत्थरों पर आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो 5 to 10 मिनट के बाद जब आप थक जाया करेंगे तो ना ही रास्ता लंबा होगा ना सिर्फ, बल्कि आप उस थकान की वजह से उस व्यू को इंजॉय पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि थोड़ी सी अगर कर सके तो अपना स्टैमिना बेहतर करके आना। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो जब आप थक जाएं, जब आपने स्टे करना है, तो आप 3 मिनट तक रुकें, इससे ज़्यादा ना रुकें। जितना ज़्यादा रुकेंगे तो जब आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन जब आप 3 मिनट स्टे करने के बाद दोबारा अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू करते हैं तो आप फील करेंगे कि जैसे अभी भी आप कंटिन्यूसली चल रहे थे, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप ज़्यादा ट्रैवल बहुत ज़्यादा दूर तक ज़्यादा फास्टली जा सकते हैं अगर आप स्टे करें मैक्सिमम 3 मिनट्स के लिए, इससे ज़्यादा स्टे ना करें। अगर आप 15 मिनट 10 मिनट के लिए रुक गए तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा टफ होगा। ये ट्रैकिंग का एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पर फील किया। मैंने अपना रिव्यू, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इस टूर का, मैंने इस इन 4 एपिसोड की वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। तो इसी के साथ गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हर दिन सोता ने सुनाएगी, खोना ना तेरा विश्वास कभी एक दिन वो घड़ी।